महानगर के समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक मंगलवार को बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने की। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की मजबूती और विस्तार के साथ लोगों के घर घर जाकर उन्हें मतदाता सूची से जोड़ने को लेकर आगामी रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान पार्टी के सिंहासन यादव, कीर्ति निधि पांडे, संजय यादव, विकास यादव, अशोक चौधरी, शबीर कुरैशी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आज जब मुखिया सुस्त रहेगा तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सुस्त हो जाएंगे। इसलिए इन बनाने के बाद क्या कर रहे हैं, बस्ती में बन रहा है, यहाँ के लोगों ने कोई ठेका ही नहीं लिया, इसलिए वही पड़ा हुआ है। तीन बार हो गए, तीन बार लोग बैठक के आए हुए स्वागत है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस योजना के तहत हम लोगों को चुनाव लड़वाया और जीतवाया, इसलिए हम लोगों महानगर की सभी कमेटी के सभी साथियों की तरफ से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। समाजवादी पार्टी के हर माह में मासिक बैठक होती है पार्टी के निर्देशानुसार, वो हम लोग लगातार एक महीने की कार्यों की, सरकारों की, जिला प्रशासन की और अपने संगठन की समीक्षा करते हैं। समाजवादी पार्टी की आज बैठक की महत्वपूर्ण इसलिए है कि वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि आप वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण के काम में पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और जो मतदाता गोरखपुर के अंदर नहीं बन पाए 18 साल के या और भी उम्र के जो लोग मतदाता नहीं बन पाए उनको मतदाता बनाने का काम किया जाए, इस विषय में बैठक की जा रही है।